हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम यू ऑल अगेन इन द साइंस क्लास। टुडे वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन 9, दैट इज लाइट। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्टिविटी विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। मीन्स इन दिस एक्टिविटी वी विल प्रूव दैट light always travels in a straight line. For this activity you will require 3 thick card sheets, a puncher, a candle, a matchbox. In this activity the card sheets, which we are taking 3 in number, will need a hole in its center. So with the help of puncher we will make a hole in a center of the card sheet. At the same place in remaining 2 card sheets we will make a hole with the help of puncher. For this activity we require that all these 3 card sheets should be stand on the table. So with the help of clay we can make the stand. We need a candle and a matchbox, because candle will work as a source of light and without the matchbox we cannot light it. As you can see in the picture, this is the setup of this activity. When we will place all the 3 card sheets properly at the table, it means their holes will be in front of each hole, then we will able to see with our eyes. We will able to see the burning candle with our eye from the another side. It shows that light travels in this straight line. For the more explanation, if we will misplace card sheet a little from its place, in that case we will not be able to see the candle light. Light was traveling in the straight line. So कहने का मतलब ये है कि लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती है। अगर हम इन 3 कार्ड शीट्स में से किसी एक कार्ड शीट को अपनी जगह से थोड़ा सा मिसप्लेस करते हैं तो हम दूसरे साइड से अपनी आंखों से उस कैंडल लाइट को नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट तो सीधी डायरेक्शन में जा रही थी। अब लाइट को ट्रेवल करने के लिए होल नहीं मिला, दैट इज द रीजन कि लाइट स्ट्रेट नहीं आ पाई, वो बीच वाले कार्ड शीट से ही टकरा गई। एंड अनदर साइड जहां हम थे वी कैन नॉट सी दैट। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी इज दैट लाइट्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपाक ऑब्जेक्ट। सी द पिक्चर फर्स्ट। द फर्स्ट पिक्चर इज शोइंग द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मीन्स जिसमें से हमें आर पार दिखाई देता है। Second picture is showing the butter paper, which is the translucent object. Translucent object ऐसा object होता है, ऐसी चीजें होती हैं जिसमें से कुछ light pass होती है, कुछ नहीं होती, हमें उसमें से चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। And the third picture is of a book. So book cannot allow the light to pass through them. तो हम अगर अपने आंखों के सामने book को रखते हैं तो another side क्या है, we cannot see it. So we can see through certain things like glass and water, but not through some other things like book or table. It means हमारे surrounding में जो चीजें हैं, अगर हम उठा करके उन्हें check करें तो बहुत सारे objects ऐसे हैं जो अपने में से light को pass कर देते हैं, means हम another side देख सकते हैं और कुछ नहीं pass करते हैं। So depending on the capacity to passing the light, we can divide the objects in 3 types. The objects that allow light to pass through them completely are called transparent objects. It means इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने अंदर से लाइट को पूरी तरीके से रिफ्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स पास होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, क्लियर वॉटर, etc. The objects that do allow some light to pass through them are called translucent objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कुछ लाइट को पास होने देते हैं, मीन्स रिफ्रैक्ट करते हैं और कुछ को नहीं करते, उसे हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, सच एज बटर पेपर या ग्राउंड ग्लास। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द ओपाक ऑब्जेक्ट।
और जिस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती, मीन्स अगर हम उसे अपने आंखों के सामने रख लें तो हम उसके बाद की चीजों को नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, डेस्क, चेयर, बुक, ईटीसी। वी यूज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपाक मेटीरियल टू मेक ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज। अब हम इन चीजों का यूज अपने जरूरत के हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज ट्रांसपेरेंट ग्लास टू मेक आवर विंडो पेन्स, वाइल वी यूज ओपाक ब्रिक्स टू मेक हाउस। अब एक रूम के बनने में, एक घर के बनने में जब हम विंडो पर ग्लास लगाते हैं, दैट इज द ट्रांसपेरेंट मटीरियल। अब उसी घर को बनाने में जब हम ब्रिक का यूज करते हैं तो ब्रिक इज द ओपाक ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट कलर्ड ग्लास इज यूज टू मेक ब्यूटिफुल वासेस, वाइल ट्रांसपेरेंट ग्लास इज यूज टू मेक स्पेक्टिकल्स। बहुत बार फ्लावर पॉट या वासेस बनाने में हम ट्रांसलूसेंट कलर्ड ग्लास का यूज करते हैं, और जब स्पेक्टिकल्स में चश्मे बनते हैं तो उसके लिए हमेशा ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का यूज होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट हाउ द शेडो फॉर्म्स, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ शेडोज। शेडो मीन्स परछाई, मीन्स छाया। वी हैव सीन दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। व्हेन एन ओपाक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। और जब ये लाइट सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हो और रास्ते में कोई ओपाक ऑब्जेक्ट आ जाए, देन व्हाट विल हैपन? इन दैट केस द शेडो विल फॉर्म, बिकॉज इन द पाथ ऑफ लाइट एन ओपाक ऑब्जेक्ट केम एंड लाइट कैन नॉट पास इट, सो अ डार्क पैच विल फॉर्म एट द अनदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। You can see in the picture a boy is standing and the sun is shining at the another side of the boy in the sky. So in this case the light was traveling straight but the boy came in the way of light. So in this case you can see a dark patch means a shadow is forming at the another side of the boy. So shadow formation wahi hota hai jahan par लाइट के डायरेक्शन के बीच में कोई चीज आती है, तो जिस शेप का ऑब्जेक्ट होता है उसी शेप की शैडो बन जाती है। अ शैडो इज अ डार्क पैच फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट बाय एन ऑब्जेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि शैडो जो है वो डार्क कलर का पैच होता है, और ये तब बनता है जब लाइट के रास्ते में कोई रुकावट आती है। When we move, our shadow also moved along with us. और जब हम move करते हैं तो हमारी shadow भी हमारे साथ साथ move करती है। A shadow is always formed in the direction opposite to the source of light. Definitely, अगर आप बीच में खड़े हैं, एक साइड में लाइट का सोर्स है, सपोज करो CFL और LED जल रहा है, तो आपकी shadow हमेशा सोर्स के अपोजिट साइड में बनेगी, मीन्स आपके दूसरे साइड में बनेगी। मीन्स एक साइड में लाइट का सोर्स होगा तो दूसरी साइड में शेडो होगी। व्हेन वी ब्लॉक द सनलाइट आवर शेडो इज फॉर्म्ड। इसी तरीके से जब हम सनलाइट के नीचे आते हैं तो हमारी शेडो बनती है। द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। और जो सन है, आपको पता है कि आप मॉर्निंग में उसे ईस्ट में देखते हैं बट इवनिंग तक वो वेस्ट में जाता है। The shape and the length of our shadow also keeps overhead. तो जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, वैसे वैसे हमारा शेडो का डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। The length of the shadow is longest in the morning and evening. तो हमारी शेडो सबसे लंबी मॉर्निंग और इवनिंग में बनती है, and it is the shortest in the afternoon. और जब दोपहर में सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है तो उस समय हमारी शेडो सबसे छोटी बनती है। सो चिल्ड्रेन, इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर लाइट। नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वाज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सो चिल्ड्रेन, थैंक यू।